आज मैं आपको लेके जाने वाला हूँ देहरादून से 30 किलोमीटर दूर एक नेचुरल पूल, जहाँ जाना इतना आसान तो नहीं लेकिन कुछ ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। यहाँ पहुँचने के लिए आपको ऑफ रोड का सामना और बहुत सारी रिवर क्रॉसिंग करनी होगी, लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, इसके बाद के जो नज़ारे होंगे ना वो आपके सामने हैं। ऑल राइट गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह के अभी 6:16 हो रहे हैं, जो कि भाई मैं सुबह उठ गया था आज 5:10 तक मॉर्निंग अलार्म मेरा बज रहा। ठीक है भाई, क्या करें। मतलब पहले तो ना सुबह सुबह इतना आलस आता है कि भाई कौन उठे कौन जाए, और जब अगर उठ जाऊँ ना पूरा गहरा बुझ जाओ, उसके बाद मन करता है हाँ भाई सुबह उठ के क्या ही सुकून मिलता है, डेली सुबह उठना चाहिए। लो जी, सुबह सुबह का रेलवे क्रॉसिंग भी लग गया, फाटक बोलते हैं फाटक किसे। और चलो कोई नहीं, मैंने फ़ोन किया अभी तो अभी वो लोग पहुँचे नहीं है मीटिंग पॉइंट में। ऑलराइट दोस्तों, और बहुत टाइम बाद स्वागत है सभी लोगों का मेरे इस न्यू मोटे व्लॉग में। यहाँ भी पहुँच गए हम महाराणा प्रताप चौक, एंड यहाँ पे भी सारे आने वाले हैं तो थोड़ा भी लाइनअप होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी लाइनअप हो चुका है, हालांकि हल्का सा लेट हो गया है आने में सबको, लेकिन कोई बात नहीं भाई। तो बस चाय पी के निकलते हैं अभी यहाँ से, थोड़ा सा ब्रेक लेके अपना, एंड इसके बाद सीधा हम निकलते हैं सल्फर पॉन्ड। तो यहाँ से ना अपना प्रॉपर वाला एक ऑफ रोड शुरू हो गया, क्योंकि इसके बाद ऐसी वाली रोड नहीं है, तो प्रॉपर जैसे दिख रहा है ना ऐसे ही है। इससे भी कहीं ज़्यादा एडवेंचर आगे, रिवर क्रॉसिंग आएगी, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बस अब व्लॉग में बने रहो, असली मज़ा तो यहाँ से है अभी। और ट्रक वाले भैया लग गए आगे, पूरी धूल मिट्टी सुबह सुबह इन्होंने में रिफ्रेशमेंट दे दिया भाई। और अभी असली एडवेंचर तो यहाँ से शुरू हो रहा है भाई। तो वैसे हम 4 बाइक्स हैं हमारे पास, जिसमें से 3 बाइक्स हैं और एक स्कूटी है। तो भाई स्कूटी वाले भाई के लिए भी काफ़ी ज़्यादा एडवेंचर हो रहा होगा अभी, ऐसा है ना। ओ भाई साहब बुलेट होना, तो बाइक को हल्का सा डिसबैलेंस हो गया बीच में, यहाँ से वो है कुछ बीच में शायद कुछ पत्थर है इस वजह से। तो फिलहाल तो भाई आगे अभी ऐसे एडवेंचर और भी आएंगे। तो सनराइज़ भी वैसे हो चुका है, हम आगे वाली पहाड़ी के पहाड़ जाएंगे तो वहाँ से देखेगा पूरा का पूरा सनराइज़, जो कि इस पहाड़ी पे भी सनराइज़ पड़ रही है। मोर गया, मोर वो सामने उड़ा 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 उड़ा। तो ये पूरे का पूरा ना भी नदी वाला पैच चल रहा है, जो कि भाई आप विंटर्स में आओ, समर में आओ, कभी भी आओ, लेकिन मॉनसून में कभी बता रहा है यहाँ पे, क्योंकि अभी रोड तो मतलब यही है, और उस टाइम मॉनसून टाइम बारिश होती है तो बारिश होती है, और बारिश होती है तो आप फंस जाओगे भाई, क्योंकि पानी का लेवल बहुत ज़्यादा होता है। और अभी कितना क्लियर लग रहा है पानी भाई, मतलब नहा सकते हैं बढ़िया करके। अभी तो फिलहाल ठंडा लग रहा है, शायद सल्फर पॉन्ड नहाए, देखते हैं। बहुत ज़्यादा क्लियर है अंदर का पूरा एक स्टोन दिख रहा है भाई। आपको जो बता रहा था ना मैं कि मॉनसून में बताना, ये देखो पहले ना इस टाइप का रास्ता हुआ करता था, ये ऊपर रास्ता है इसके ऊपर, तो ये जब बाढ़ बाढ़ आई होगी, फ्लड आया होगा, तो उस टाइम पूरा टूट रखा है ये एक रास्ता। वैसे ऊपर से भी है तो वहाँ भी मतलब लैंडस्लाइड वगैरह हुई थी पहले, अब बनेगा यहाँ का प्रॉपर रास्ता। बस ये कि मानसून में अवॉइड करना ऐसी जगह आना। फिर से एक और पैच, और ये वाला पैच थोड़ा भाई डिफ़िकल्ट रहने वाला है, क्योंकि मेरे ख्याल से यहाँ पानी का लेवल ज़्यादा है इस साइड पे। लेवल से फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है तो पत्थरों से, पत्थर होते हैं ना बीच में तो वो स्लिप मारते हैं।
ओ भाई हाँ, मैं गलत लेके आया बाइक। यहाँ पानी का लेवल ज़्यादा था और मैंने बाइक रोक दी, जिस वजह से पूरे शूज गए, सब कुछ गया। आ जाओ आ जाओ। ओ भाई पत्थर देखो आगे, मैं वहां गड्ढे में घुस गया यार। इतना पानी भाई कैसा लगा? तुम तो यहाँ से आए, मैं तो पत्थर के पास आया, वहां तो और गिर रहा है। पहले मुझे लगा रूट वहां जा रहा है, इधर मैंने देखा ही नहीं। तो भाई की स्कूटी अभी हम यहीं खड़ी कर रहे हैं और भाई साथ में बैठ जाएगा, जो कि एक तो मैं सोलो हुई, बाकी सारे डबल थे। तो बस क्योंकि स्कूटी का आगे यहाँ से तो क्रॉस कर लेंगे, लेकिन आगे पता नहीं कैसा है क्या नहीं है, तो फालतू में ले जाके फायदा नहीं है। बाकी भाई साथ में आ जाएगा मेरे। भाई यहाँ से कैसा होगा, गहरा है यहाँ पे? उस साइड से आओ, उस साइड से। ओहो हो क्रॉस यहाँ से, ठीक है। हाँ पार हो गई भाई, बहुत प्यार से। तो वो वाला रिवर क्रॉसिंग भी पार हो गया और यहाँ से ना अपने को सन रेज पड़ रही है भाई। अभी जब ठंडा लग रहा था तो अब ठीक है, मतलब थोड़ा अब गर्म लगेगा। और बीच में भाई यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर गांव पड़ता है, जो कि अभी सुबह हो रही है, तो भाई जैसे होते हैं गांव पहुँचते हम और गांव की एक अलग ही महक आती है, तो बस वैसा ही फील हो रहा है यहाँ पे। देखो सुंदर सा है, प्लेन जगह पे है। ये देखो गांव जाने का रास्ता, मॉनसून में क्या हालत होंगे यहाँ पे, जब पानी का लेवल ज़्यादा होता हुआ ना, तब कैसे करते होंगे लोग पार बेचारे अपने घर के लिए रास्ता। इतने बड़े बड़े पत्थर हैं और अभी देखो आगे इससे भी ज़्यादा ऑफ रोड होगा, क्योंकि रास्ता ना और ज़्यादा पतला होने वाला है अभी। जी पहुंच चुके थे अभी हम लोग सल्फर पॉन्ड और अपना ऑफ रोडिंग करते हुए भाई, और कम से कम अपने को 2 घंटे लग चुके हैं, 6:30 बजे निकले थे हम रायपुर चौक से। तो कई जगह पे रुके थे हम, बहुत सारे एडवेंचर आए थे, तो भाई बहुत सारी चीज़ें थी जो कि भाई पार करना जरूरी था। स्कूटी वहीं रख के आ गए हैं, बाकी भाई और भाई के दोस्त का, आपका क्या नाम है भाई? चेतन। भाई का क्या नाम है? आपका क्या नाम भाई? हिमांग। तो मैं सबसे पहले मिल चुका था, लेकिन इंट्रोड्यूस नहीं कराया था, तो अभी हो रहा है इंट्रोड्यूस। बाकी दो भाई और एक पुनीत और एक दूसरा भाई है, नाम भूल गया मैं, ट्रैवल बग वैसे नाम भूल गया भाई का मैं। अभी मैगी और चाय ऑर्डर करी है, बाकी सल्फर पॉन्ड हो रहा। और ये देखो भाई छोटा सा पिल्ला, आ जा। इतनी बड़ी रस्सी इसे बांधता बेचारे को, हल्की है लेकिन। तो जी ये चेक करो, बाकी 3 भाई जा चुके हैं पानी है भाई सल्फर पॉन्ड में। और भाई अभी ना पानी पूरा साफ था, लेकिन इसमें ना ये गंदक होता है, सल्फर बोलते हैं ऐसे। अभी पूरा पानी क्लियर था, लेकिन नीचे पूरा सल्फर बैठा हुआ है, जैसे जैसे ना लोग जा रहे हैं तो सल्फर ऊपर आ रहा है, ये पूरा वाइट वाइट ना पूरा सल्फर है। एंड मेन जो है सल्फर ना इस साइड से आ रहा है, ये देखो भाई। ओहो अंदर पूरा भाई जंगल उग रखा है, बाकी पानी जमीन के अंदर से आ रहा है, फिर यहाँ से बाहर जाके फिर यहाँ पे आ रहा है। हाँ जी अंकल जी। तो जी बात है ऐसी, आप लोगों ने ड्रोन शॉट वगैरह देखी, लोगों कितने प्यारे प्यारे शॉट्स थे। बाकी हम लोग अभी नहा चुके हैं अच्छे से, सुबह 6:30 निकले थे, 8:30 यहाँ पहुँचे, अपना टाइम स्पेंड करा यहाँ पे, मैगी वगैरह हमने सामने से खाई। यहाँ एक शॉप है, यहाँ पे एक दो शॉप है, मतलब यहाँ तो खुली नहीं है, यहाँ पे थी लेकिन वो वाली खुली अंकल जी की शॉप, तो अरुण मैगी पॉइंट, तो वहाँ हमने मैगी वगैरह खाई है। बाकी भाई आप लोगों ने देख लिया होगा, कुछ ऐसा दिखता है ऊपर से, सामने पूल, बाकी पूरा हरा भरा है।
सामने खेत ही खेत हैं पूरे के पूरे भाई, जो कि बहुत ज़्यादा बेहतरीन लग रहे हैं। और ये वाली शॉप थी अंकल जी की, तो बस टाइम आ चुका है निकलने का, बाकी सब लोग से मिल चुके हैं आप लोग। और भाई जाते हुए ना ऊपर इसके स्वेटर तो वो नहीं पहनूंगा, फिर जैकेट पहनूंगा, निकलते हैं फटाफट। ठीक है भाई अंकल जी। सो अगेन वी आर बैक। तो वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, सिर्फ ये मेन शॉट लेंगे जो वाले शॉट से इसका डायरेक्ट घर। जय श्री राम। ओ भाई देखो छोटी पूरी डूब गई यार, यहाँ पानी गहरा है। ओ भाई, अरे 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 अरे, 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 अरे।